कलमना पुलिस थाना क्षेत्र में प्रतिबंधित तंबाकू की तस्करी करने वालों पर फिलहाल मामला दर्ज किया गया है, जहां कुल 2 लाख से ज्यादा का मुद्दिमा जब्त किया गया है। साथ ही साथ आरोपी पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर फिलहाल आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हमें 23 तारीख को कुछ गुप्त इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक नीले कलर की फैट कंपनी की एक पुंटो कार, उसमें जो प्रोहिबिटेड टोबैको है वो कोई तो भी लेके जा रहा है। ऐसी जानकारी से हमारे PSI कुलसंगे साहब और उनकी जो टीम थी, उन्होंने वहाँ पे जाके रेड की और मिनीमाता नगर में एक बंटी राजेश साहू करके जो एक आरोपी है वो इसकी तस्करी कर रहा था, तो उसे हमने हिरासत में लिया है और वो गाड़ी की चेकिंग वगैरह की तो हमें करीबन 7 किलो का वहाँ पे प्रतिबंधित टोबैको मिला है। और वो जो पूरी कार और पूरे जो जब्त किया हुआ हमने मुद्देमाल है उसकी कुल कीमत 2,04,500 रुपये है। और हमने इसी वजह से IPC 188, 272, 273, 328 रीड अलोंग विथ 59 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 इनके तहत कार्रवाई की है। जो आरोपी है उसको हमने अरेस्ट किया है और उसका करीबन 25 तारीख तक PCR मिला है।